इसराइल हमास जंग के बीच 23 लाख की आबादी वाले गाजा में खाने का संकट गंभीर होते जा रहा है। उत्तर गाजा से बेट लाहिया में विमानों से गिराए गए फूड पैकेज पाने की कोशिश में 18 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 12 लोग समुद्र में डूब गए और 6 की मौत भगदड़ में हो गई। जानकारी के अनुसार सोमवार को अमेरिका ने गाजा में एड के 80 बंडल भेजे थे। इनमें से 3 पर लगे पैराशूट में कुछ खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से ये पानी में गिर गए। हालांकि इस दौरान हुई मौतों की पुष्टि नहीं हो पाई है। फिलिस्तीन सरकार ने कहा है कि विमान से राहत सामग्री गिराना बेकार है, इसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए।